देश में 18वीं लोकसभा के गठन का रास्ता साफ हो गया है। 1 जून को लोकसभा चुनाव के 7वें और आखिरी चरण के बाद चुनाव आयोग ने आखिरकार शांतिपूर्ण मतदान करवाकर राहत की सांस ली। पहली बार देश में 97 करोड़ से ज्यादा मतदाता वोट डालने के लिए अधिकृत किए गए थे। महज 65 करोड़ वोटरों ने ही अपने अपने मताधिकार का इस बार इस्तेमाल किया है। जहां एक तरफ 24 का चुनाव खत्म हो गया तो वहीं हजारों दिग्गजों की किस्मत भी ईवीएम में कैद हो गई और अब इंतजार है तो बस 4 जून का। जनता ने किसे दुलारा और किसे दुत्कारा, ये साफ हो जाएगा। कौन सत्ता पर काबिज होगा और कौन विपक्ष का मोर्चा संभालेगा, ये तस्वीर भी 4 जून को साफ हो जाएगी। नतीजे आने में अभी 2 दिन बाकी हैं, लेकिन तमाम न्यूज चैनल और एजेंसियों ने एग्जिट पोल के आंकड़े जारी कर दिए हैं और एग्जिट पोल के रुझानों में एनडीए की पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनती दिख रही है। बेशक एग्जिट पोल में इंडिया अलायंस कम सीटें ला रहा है, लेकिन 4 जून से पहले हर कोई अपनी अपनी जीत का दावा कर रहा है। इंडिया गठबंधन कम से कम 295 से ज्यादा आएंगे, कम तो नहीं आएंगे, ये हमने आकलन किया। तो ध्यान मग्न है, वो गायब हो जाएंगे 4 तारीख को, और 4 तारीख को मंगल है, मंगल होने जा रहा है। हमारा मीडिया मंडल भी बदलेगा। सबसे ज्यादा सीटें समाजवादी पार्टी और इंडिया अलायंस की होंगी। 295+ हम लोगों का आएगा और इंडिया जीत रहा है एकदम। जो जनता का जो पोल है, जनता का जो सर्वे है, वो महागठबंधन इंडिया गठबंधन के पक्ष में है। एग्जिट पोल में ये साफ हो गया कि बीजेपी का वोट प्रतिशत 40-42% तक रहेगा, वहीं कांग्रेस का वोट शेयर 20-22% के बीच में रह सकता है। 400 के पार हमने नारा लगाया है, 400 के पार का दृश्य 4 तारीख को देख लीजिएगा, 400 के पार होगा। ये शायद पहली बार है कि सारे एग्जिट पोल एक ही अंक के आसपास चले आ रहे हैं, जो घुमा के 400 के पार हो रहा है या उसके करीब रह रहा है, तो ये तो संकेत है ना। और देखिए, नरेंद्र मोदी जी की मेहनत की हिम्मत, मेहनत की, और हमारे अमित शाह जी की स्ट्रेटजी की तारीफ करने की। पीएम मोदी ने भी एक पोस्ट के जरिए उम्मीद जताई कि लोगों ने एक बार फिर एनडीए सरकार को चुनने के लिए रिकॉर्ड मतों से मतदान किया है। विपक्षी गठबंधन मतदाताओं के साथ तालमेल बिठाने में बिल्कुल विफल रहा। पोलो पोल्स में भी बीजेपी को बड़ी बढ़त मिलते हुए दिखाई दे रही है, जबकि कांग्रेस और उसके सहयोगी दल जादुई आंकड़े से काफी नीचे हैं। तमाम चैनलों और एजेंसियों के मुताबिक बीजेपी को पूर्ण बहुमत मिलता दिख रहा है, वहीं एनडीए 400 पार का आंकड़ा भी क्रॉस कर सकता है और इस बार पीएम मोदी का 400 का नारा सार्थक होते दिखाई दे रहा है। ये आंकड़े सर्वे और अनुमान पर आधारित हैं। जनता जनार्दन ने किस पर अपना विश्वास और प्यार लुटाया है, ये 4 जून को ही आधिकारिक तौर पर सामने आ जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।